आज जब हमारा केस कॉल आउट हुआ तो जज साहब बड़े पॉजिटिव मूड थे, बेल आज ग्रांट कर रहे थे। सिर्फ जज साहब का एक ही सवाल था कि भाई जो जिन लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी वापस मिलना चाहिए। हमने कहा क्योंकि ये तो हम भी चाहते हैं, और हमने कहा है, और डॉक्टर नौरा शेख ने साफ साफ कहा कि हम सबका एक एक पाई पैसा देंगे। तो कोर्ट उससे कन्विंस होकर आज ही बेल दे रहा था, लेकिन फिर कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, तुम एक हफ्ते के अंदर एक प्लान करो कि कैसे कैसे पैसा वापस देना है, और वो प्लान करो तो अगली तारीख पे हम बेल कर देंगे। बेल आज ही वैसे हो गई थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे। फिर जज साहब ने कहा ठीक है, तुम एक प्लान हमें दे दो, और प्लान के मुताबिक ऐसे ऐसे हम पैसा, अगर जो भी इन्वेस्टर आएगा जो पैसा मांगेगा तो उस इन्वेस्टर का इस ढंग से हम पैसा देंगे। एक प्लान फाइल करना हमको, और 19 जनवरी के जो हफ्ते में उसी बीच ये लगेगा और बेल हो जाएगी। क्योंकि आज कोर्ट ने पहले आते ही इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, सरकारी वकीलों ने, ESG ने, कोर्ट ने ये चीज़ मानी नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेल किसी का राइट होता है, और जब वो खुद कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, लेकिन वो कैसे पैसे देंगे ये हमसे जान लेते हैं और उसके बाद हम बेल देंगे। अब वकील साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमेशा लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि सिर्फ कंप्लेनेंट के पैसे की बात है। नहीं, कंप्लेनेंट के पैसे के कोर्ट को कंप्लेनेंट से मतलब नहीं होता। कोर्ट में एक कोई स्कीम है, स्कीम के तहत ही पैसा दिया जाता है, स्कीम की तहत ही पैसा लिया जाता है। अगर स्कीम के तहत जो लोग सेटिस्फाई हैं, पैसा नहीं मांगेंगे तो उनको नहीं दिया जाएगा, उनको बिजनेस, उनके जो बिजनेस टर्म है उसी ढंग से दिया जाएगा। लेकिन जो आएगा, जो पैसा मांगेगा, उसकी हम मॉडलिटी कोर्ट को देंगे कि हम किस किस ढंग से उसको देंगे। क्योंकि ये तो नौरा शेख ने खुद कहा है, और जेल से लिख के भी दिया है, हाई कोर्ट में दिया, सभी जगह दिया कि भाई हम किसी का पैसा नहीं मानना चाहते हैं। ये तो हालात ये होगी कि GST रिजीम की वजह से कुछ रीशेड्यूल करना पड़ा, और बीच में कोविड आ गया, बिजनेस तो हो गया, अब पैसा तो सबको देना ही है, और यही कोर्ट उस चीज़ को मान के कन्विंस था। आज ही बेल दे रहे थे, फिर कोर्ट ने एक दूसरा थॉट ये लिया कि चलो ठीक है, आप प्लान दाखिल करो और अगली तारीख पर बेल हो जाए। तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि कोर्ट सबके पैसे की बात करता है, कोर्ट सबके पैसे की बात करता जो कंपनी के दुश्मन है हमेशा ये रूमर फैलाते हैं। वो तो हम तो ये कह रहे थे कोर्ट से कि ये 26 लोगों ने अभी FIR की, बाकी लोगों ने थी, क्योंकि हमारे धंधे में कोई बेईमानी थी नहीं, हम तो सबका पैसा दे ही रहे थे, लेकिन बेईमानी कुछ नहीं थी, ये 26 लोगों ने किया है। लेकिन कोर्ट तो ये चाहता है कि भाई जब 26 नहीं, 26 में से मान ले जाए ये 26 कल नहीं आए, क्लेम ना करें, बोले आप अपना बिजनेस करो, तो अच्छी बात है। जी, जो जितने भी आएंगे, जो लोगों को अपनी जरूरत होगी वो होगी, तो उसके तहत अब कंपनी को देखो, मेन चीज कोर्ट का कंसर्न था कि जिन लोगों का पैसा लगा है उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, किसी को जेल में डालने से अन्यथा वो तो होता नहीं है। अच्छा, इधर कोविड हो गया, उधर बिजनेस तो होते से दुश्मनों की वजह, साजिश से ये जो पूरा जो कंपनी के बिजनेस थे बंद हो गए हैं, पैसे की वो है, तो वो हम एक प्लान ड्रॉ के कोर्ट को देंगे एफिडेविट की शेप में, और अगले तारीख को बेल जाएंगे। सर एक चीज़ है कि ऑर्डर डिक्टेट करने वाले, फिर हम ही ने उनसे कहा कि हम प्लान भी देंगे आपको। जी, तो इसलिए कोर्ट ने कहा ठीक है, आज ना देखे हम, आप प्लान सबमिट कर लो। आपने ये भी कहा कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये दिखाया उनको कि मैडम ने खुद जेल से लिख के भेजा, जो हमने कोर्ट में फाइल कर दिया था। जी, मैडम ने उसमें भी लिखा था कि हम सबका पैसा देने को है, जो लोग पैसा मांगेंगे हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन अब उसके लिए एक प्लान के तहत ही दिया जाएगा ना सर। ये जो नॉन कंप्लेनेंट है उनको कोर्ट में आके मांगना पड़ेगा या फिर वो डायरेक्टली? कोर्ट में नहीं, हम प्लान लिस्ट है अपने पास, वो तो कोर्ट कहता है आप अपनी बोनाफाइड दिखाओ, आपकी जेन्यून दिखाओ, आप सही है, सही माने में देना चाहते हैं दिखाओ, प्लान से पता लगेगा। तो पैसे तो हम देंगे, कोर्ट का ऐसा नहीं है सर। अगर हम कोर्ट में लिख के कोई देते कि ऐसे ऐसे हम लोगों का पैसा देंगे, और बीच में दिक्कतें होंगे, कोर्ट से परमिशन मांगेंगे, ये दिक्कत होगी, आज नहीं दे पाए तो एक महीने बाद देंगे, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन ये रुझान था, डेट करने वाले थे बेल, अगली बात तो डेट, लेकिन फिर हमने भी सोचा क्योंकि इसमें टाइम कम भी था, और फिर हमने खुद सोचा हम एक प्लान देंगे कोर्ट को, ये जो लगेगा उसी प्लान के तहत काम करेंगे, तभी ये ठीक है। कोई भी चीज होती, बड़ी स्कीमें होती हैं, स्कीम के तहत ही लेन देन होता है, तो वो स्कीम हम फाइल करने जा रहे हैं, नहीं तो कोर्ट आज ही बेल दे रहा था। पूरी उम्मीद है 101%। जी, कोर्ट ने कह दिया। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने बताया
और सर 172,000 लोग पूरे दुनिया के पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोग इंतजार कर रहे थे और आपके मुंह से इतनी अच्छी खबर सुनकर लोग बहुत मुतमईन हुए होंगे। इसमें लोगों को भी सोचना चाहिए जो इन्वेस्टर्स भी है, चलो धंधे में ऐसी बात नहीं है, चाहे कुछ भी हुआ इन्वेस्टर ने जिनने पहला इन्वेस्ट किया उन्होंने डिविडेंड लिया। खुद ईडी ने लिखा कि 4,000 करोड़ तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने लोगों को, 3,000 करोड़ लिखा है तो 3,000 करोड़ तो डिविडेंड भी दिया। जब वो कहते हैं सिर्फ 5,000 करोड़ जमा हुआ और 3,000 करोड़ दिया, फिर हमने उनको ये भी कहा कि अभी तो लोगों ने यूनिट जो खरीदी होगी, हो सकता कोई फिजिकल फॉर्म में यूनिट भी होंगी, लोग अपनी यूनिट भी लेंगे, ये नहीं कि कंपनी दे नहीं सकती है। लेकिन एक बीच में ये सब चीज़ें आ गई हैं और मैडम भी चाहती है सबका पैसा दिया जाए, कोर्ट भी चाहिए सबका पैसा दिया जाए, तो ये बीच में जो ये मशीनरी है और या जो दुश्मनों के इन्फ्लुएंस में ये है, कोर्ट इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। कोर्ट ने कहा मैं नहीं कुछ नहीं जानता हूँ, वो देने को तैयार हैं, हम भी चाहते हैं कि उनका पैसा दिया जाए, तो अंदर रखने का क्या मतलब, उनको बेल दिया जाएगी। इसलिए हमसे कहा कि आप अपना प्लान ड्रॉ करो कि कैसे कैसे आप देंगे। जी जी जी, बस तो सर ये जनवरी के महीने में अच्छी खबर अब आ जाएगी। हाँ, जनवरी 19 तारीख की जो कमेंसिंग वीक है 19-20-21 में उसी हफ्ते में लग जाएगा। सर अभी कंप्यूटर जनरेटेड 21 तारीख दिखा रहा है, 22 तारीख दिखा रहा है, लेकिन कोर्ट ने स्पेसिफिकली लिखा कि 19 कमेंसिंग वीक कमेंसिंग 19th of January इस केस को लिस्ट किया, उससे पहले हमने एक प्लान देना है कि ऐसे ऐसे जो भी लोग पैसा वापस लेना चाहते हैं, जो लोग रहना चाहेंगे उनकी कोई जरूरत वो हम प्लान देंगे जी। तो जो लोग अपना पैसा लेना चाहेंगे उसकी कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे, कैसे होगी पूरा प्लान अपन ही देना है। ये तो इन्वेस्टर्स को भी खुद सोचना चाहिए, लोगों के प्रभाव में आके ये सोचना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली हमें अपना पैसा वापस लेना है, जिससे लेना है वो देने को तैयार है। और बीच में इतने हादसे हो गए, देश में देश कर्ज से डूब गया, तो दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, किसान इधर बैठा हुआ है, इसी लॉकडाउन की वजह से तो ये हादसे हो रहे हैं जी। तो जी, कुछ परेशानियां मैडम की भी है, लेकिन मैडम ने जब सोलम ने ये कह दिया कि हम सबको पैसा देना चाहते हैं, पैसा मिलेगा उनको, यही कोर्ट चाहता है। कोर्ट चाहता है किसी को जबरदस्ती और खाली ये कागज में कार्रवाई इंक्वायरी, इससे क्या मतलब है जी। जी जी, बस जब पैसा मिल रहा है तो आज चाहे ईडी है चाहे लोकल पुलिस है ये केस कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे कि पैसा दो। जब पैसा मिल रहा है और इन्वेस्टर को मिल रहा है तो इन पे क्यों बैंक फोन करें। जी जी जी, असर ही जो दुश्मनाने हीरा हैं वो लोगों के बीच में एक पैनिक क्रिएट करने की, असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अपना अल्टीरियर मोटिव कर रहे हैं, वो तो अभी देखो सरकारी लेवल पे लाखों किसान बैठे हैं, उनको बदनाम करने के लिए टेररिस्ट बोल दो, उनको कुछ बोल दो, तो ये दुश्मनों की साजिश होती है जी जी, अपने खिलाफ वो करते ही हैं जी, कुछ बोलेंगे जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, तो ये थे हमारे साथ जी। सोशल मीडिया में जो लोग इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वो गलत है, निराधार है। सही बात यह है कि कोर्ट चाहता है कि ये बाहर निकले और लोगों का पैसा दे, वही हम चाहते हैं, और लोगों का पैसा मिलेगा। जो लोग सिर्फ डॉक्टर नौरा शेख को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये जो भ्रम फैला रहे हैं ये गलत है। इनकी बातों पर इन्वेस्टर को नहीं सोचना चाहिए, इन्वेस्टर को सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए कि हमारा पैसा कैसे वापस मिले, वही कोर्ट की वो है, वही कोर्ट की चिंता है, वही नौरा शेख की चिंता है। बाकी ये जो सोशल मीडिया से भ्रम फैला रहे हैं, जाल फैला रहे हैं, इनके अपने एजेंडे हैं। ये लोग एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम न करके डिस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। डिस्ट्रक्शन से किसी को फायदा नहीं होता, ना इन्वेस्टर को होगा, ना लॉन्ग रन में किसी को फायदा होने वाला है। जी जी, जज़ाकअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एडवोकेट रावत सर, सीनियर एडवोकेट, जो कि आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए अपडेट दे चुके हैं। तो दुश्मनों के साजिशों में मत आइए आप लोग, ये सब पूरे ब्लैकमेलर्स है। ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट आके आपको अपडेट दिए, तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिए। जिस तरीके से तेलंगाना में अपने को देर दुरुस्त हुआ, ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हक में आया, बेल भी ग्रांट हुई थी, SFI और ट्रांसफ़र भी हुआ था, इंशाल्लाह देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाएगा। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि कोई भी ब्लैकमेलर्स की बातों में मत आइए, ये क्लेम करना है वो क्लेम करना है, जो अफवाहें उड़ा रहे हैं ये लोग, इनके बातों में आके एन मोमेंट पे जाके जाल में मत फंसिए, ठीक है। मैं था मोहम्मद सलीम दिल्ली से, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।